हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं। डेयरी फार्मिंग में हम हर रोज़ नए चैलेंजेस की बात करते हैं और समय के साथ साथ उसके नए नए सॉल्यूशंस भी आते हैं। आजकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि डेयरी फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वो इसलिए बिकॉज जो पुराने तरीके का जो डेयरी फार्मिंग के सॉल्यूशंस थे वो उस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे और बहुत ज़्यादा मेहनत वाले थे, जिसके चलते जो आजकल की जनरेशन है उससे थोड़ा थोड़ा दूर हट रही थी। लेकिन जैसे ही अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए इक्विपमेंट के साथ, नई ऑटोमेशन के साथ डेयरी फार्मिंग के तरीके थोड़े आसान हो गए हैं और आज की जनरेशन बहुत ही टेक्नोसेवी भी है, तो ये नए गैजेट्स को, नए इक्विपमेंट को बड़ी आसानी से ऑपरेट भी कर सकते हैं, तो उनका रुझान फिर से डेयरी फार्मिंग के लिए बढ़ गया है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए भी और ओवरऑल डेयरी सेक्टर के लिए भी कि नया यूथ इसमें एंटर हो रहा है और वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानता है। हमारे पास जो एक्सपीरियंस्ड डेयरी फार्मर ऑलरेडी इंडस्ट्री में है वो अपने एक्सपीरियंस को इन कॉम्बिनेशन विद द यूथ यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी इस पूरी डेयरी इंडस्ट्री को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। तो उसी के चलते आज का हमारा टॉपिक है प्रिसाइज्ड डेयरी फार्मिंग या प्रिसीजन डेयरी फार्मिंग भी इसको बोल सकते हैं। वो इसलिए बिकॉज डेयरी फार्मिंग में एक कॉमन चैलेंज है रिप्रोडक्शन एंड फीडिंग को लेकर। फीडिंग जो है वो हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए फीड कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे। अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो हमारे लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से जो रिप्रोडक्शन है, अगर हमारे फार्म पर हम सही टाइम पर हीट डिटेक्ट कर रहे हैं, सही टाइम पर AI कर रहे हैं और हमारा काविंग इंटरवल कंट्रोल में है, तो हमारे फार्म की ग्रोथ जल्दी से होती है और उस तरीके से भी हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इन दो चीज़ों के लिए आज हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं बॉडी कंडीशन स्कोर कैमरा। दोस्तों, बॉडी कंडीशन स्कोरिंग पहले भी की जाती है, ऑलरेडी डेयरी फार्म्स पर बॉडी कंडीशनिंग स्कोरिंग की जाती है, लेकिन मैनुअली। अब मैनुअली क्या होता है कि आपके फार्म पर मान लीजिए 50 गायें हैं तो हर एक गाय का एक बॉडी कंडीशन स्कोर विद इन 1 to 5 आपके जो डॉक्टर्स हैं या आप खुद आप नोट करते हैं, डिपेंड करता है कि वो आपको दिखने में पतली लग रही है, मोटी लग रही है, कैसी लग रही है, आप उसको 3, 3.5 या 2.5, 2.75 जो भी स्कोर देना चाहते हैं आप मैनुअली अपनी आंखों से देख के स्कोर देते हैं। इसमें चैलेंज क्या है? एक तो ये बहुत मेहनत वाला काम है क्योंकि हर गाय को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, टाइम लगता है, और दूसरा चैलेंज है उसमें गलती होने के चांसेस हैं। कोई गाय आपके लिए उसको स्कोर आप दे सकते हैं 3.5, लेकिन मैं उसी गाय को उसी समय देखते हुए मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से ये तो 3.25 है। तो ये एक जो फ़र्क है, ये दो लोगों की देखने के मैनुअली देखने में फ़र्क आ ही सकता है, यानी कि एक्यूरेसी नहीं उतनी पॉसिबल जो एक ऑटोमेशन के थ्रू हो सकती है। अब ये कैमरा क्या करता है? कैमरा एक जगह पे लगा होता है, जब गाय मिल्किंग के बाद पार्लर से बाहर निकलती हैं सभी गायें उस कैमरा के नीचे से निकलती हैं, कैमरा काओ को आइडेंटिफाई करता है कि कितना नंबर काओ आई, और इस कैमरा में एक्चुअली फिर इसके अंदर दो अलग अलग कैमरा लगे हुए हैं, एक इंफ्रारेड कैमरा है और एक 3D इमेज के लिए, थर्मल इमेज के लिए, और ये कैमरा चेक करता है कि उसके ऊपर बोन्स और उसकी फैट का कंपोजिशन कैसा है, और एक्यूरेटली हर गाय को हर रोज़ बॉडी कंडीशन स्कोर सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देता है। इतना ही नहीं, जब कभी उसका थोड़ा सा भी स्कोर कम या ज़्यादा होता है तो आपको टाइमली अलर्ट देता है कि इसकी लैक्टेशन स्टेज के हिसाब से ये ओवर कंडीशनड है या अंडर कंडीशनड है। अब देखिए, इसके बॉडी कंडीशन स्कोरिंग के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टाइमिंग है वो कब कब है अकॉर्डिंग टू द लैक्टेशन स्टेज। जब किसी गाय को ड्राई करना है, उसका 2-2.5 महीने के बाद काविंग का समय आने वाला है, यानी कि हम उसको अब ड्राई करने वाले हैं, अगर उस टाइम पे वो ओवर कंडीशनड होगी तो काविंग में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट लैक्टेशन में उसका दूध का पोटेंशियल कम हो सकता है। इसी तरह से अगर वो अंडर कंडीशन है, यानी कि वो पतली है, तो भी नेक्स्ट काविंग में, यानी कि काविंग के बाद वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा सकती है,
क्योंकि कार्विंग के इमीडिएट बाद उसका दूध का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब वो उसके बॉडी के रिजर्व्स पहले से ही कम है, उसके बाद दूध के प्रोडक्शन का स्ट्रेस, तो वो नेगेटिव एनर्जी में जा सकती है। सो उसका सही कंडीशनिंग ड्राई करने के समय पे हमें पता होना चाहिए, और सिर्फ उसी टाइम देख के फ़ायदा नहीं है, हमें तो हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद बॉडी कंडीशनिंग चेक करना चाहिए, ताकि अगर वो ड्राई करने से पहले थोड़ी सी ओवर या अंडर कंडीशनड है तो उसकी रैशनिंग सही करके हम उसको ड्राई करते हुए उसको सही कंडीशनिंग में ले आए। उसको आप मैनुअली वाकई बहुत मुश्किल है करना, लेकिन इस कैमरे की हेल्प से ये बहुत इजी हो जाता है। तो एक स्टेज हो गई जब गाय को ड्राई करना है, उसी तरह से जब काविंग का समय आता है तो ड्राई करना और काविंग लगभग बराबर ही है, लेकिन फिर भी काविंग के टाइम पे भी हमें ध्यान देना है कि अगर वो ओवर हो रही है तो ड्यूरिंग ड्राई पीरियड उसकी रैशनिंग को बैलेंस किया जाए और उसको सही बॉडी कंडीशन में रखा जाए। आफ्टर द काविंग, जब एक बार काविंग हो गई, अब होता क्या है कि डे बाय डे उसके दूध का प्रोडक्शन बढ़ना है, लेकिन उसकी बॉडी कंडीशनिंग थोड़ी सी नीचे आनी है, यानी कि वो धीरे धीरे थोड़ी पतली होती है, स्पेशली दूध का पीक आने तक। तो दूध बढ़ रहा है, बॉडी कंडीशनिंग थोड़ी कम हो रही है, उस समय अगर आपको सही स्थिति पता चलती रहे, डेटा मिलता रहे कि कितना उसका बॉडी कंडीशनिंग कम हो रहा है, दूध कितना बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी फीड कंपोजिशन में आपने क्या क्या चेंजेस कर लिए ताकि उसके बॉडी रिजर्व्स भी मेंटेन हो जाएं, दूध प्रोडक्शन में भी फ़र्क ना हो और गाय नेगेटिव एनर्जी में भी ना जाए, तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको जब पता होगा कि एक्चुअली कितना राशन बढ़ाना है या कितना राशन कम करना है, डिपेंडिंग ऑन द मिल्क प्रोडक्शन या डिपेंडिंग ऑन हर बॉडी कंडीशनिंग, तो आप सोचिए कि आप अपने फीड का कॉस्ट भी बचा रहे हैं, आप गाय की हेल्थ का कॉस्ट भी बचा रहे हैं, आपका मिल्क प्रोडक्शन भी मेंटेन है। सिमिलरली अब उसका पीक भी आ गया, अब उसका ब्रीडिंग का समय आ रहा है, तो ब्रीडिंग के टाइम पे उसके बॉडी कंडीशनिंग सही है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेज है। ब्रीडिंग के बाद धीरे धीरे व्हेन शी कंसीव्स, कंसीव होने के बाद धीरे धीरे जब उसका प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता है तो उसका बॉडी कंडीशनिंग कितना कितना बढ़ रहा है, और ब्रीडिंग से लेके फिर ड्राई ऑफ करने तक का जो उसका सफ़र है उसमें कंडीशनिंग कितनी होनी चाहिए, वो एक ग्लोबल पैमाने उसके सेट है। आप एक ही स्क्रीन पे अपने फार्म की सारी काउस को देख सकते हैं कि कौन सी काउ अंडर कंडीशनड है या ओवर कंडीशनड है, और एक ही समय पे सभी काउस को देख सकते हैं, जिसके कारण आप बड़े ही जल्दी किस काउ को आपको ग्रुप चेंज करके उसकी डाइट प्लान चेंज करना है या किसी को कोई और तरीके से आपने हैंडल करना है, आप बड़े जल्दी फैसला कर सकते हैं। तो यहाँ आप ये पाएंगे कि बॉडी कंडीशनिंग स्कोरिंग आपको मिलने से आपका काम आसान हो जाता है, आपके पैसे बचते हैं, बिकॉज अगर आप गाय को ओवर फीडिंग करवा रहे हैं तो आप फीड पे फीड में आप एक्स्ट्रा खर्चा किए जा रहे हैं, अगर आप उसको अंडर फीडिंग करवा रहे हैं तो जितना वो दूध दे सकती है उतना दूध देगी नहीं, क्योंकि उसको फीड ही कम मिल रही है, तो फीड ऑप्टिमाइजेशन हो गया। इसी तरह से रिप्रोडक्शन में आपको रिपीटर के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप ब्रीडिंग ही उस समय स्टार्ट करेंगे जब उसकी कंडीशनिंग सही है, या इसका उल्टा भी हम ले सकते हैं, जब आपने तय किया हो कि इतने दिनों के बाद हमने ब्रीडिंग स्टार्ट करनी है तो उतने दिनों में उसकी कंडीशनिंग को सही करने के लिए जो आपने स्टेप्स लेने हैं वो आप ले लेंगे। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डेटा, बॉडी कंडीशनिंग स्कोरिंग का डेटा आपको जब मिलेगा यू विल फाइंड कि ये आपको बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, लेट मी नो ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और इसके रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन है कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।